सही। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं हमारा फिजिक्स, ठीक है। और फिजिक्स में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने इसका जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा था ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि जिनकी सेल्फ लाइट होती है, फॉर एग्जाम्पल सन, बल्ब, टॉर्च, ये सब ल्यूमिनस के एग्जाम्पल है। उसके बाद नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, वो जिनकी सेल्फ लाइट नहीं होती। सेल्फ लाइट इन द सेंस वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड हुआ, हम हुए, है ना, टेबल, चेयर, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। फिर हमने देखा था मीडियम, है ना। मीडियम मतलब लाइट किन किन मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। तो लाइट जो है वो हमने तीन मीडियम देखे थे लाइट के, एक था ट्रांसपेरेंट, एक था ट्रांसलूसेंट एंड थर्ड जो थर्ड मीडियम था वो था आपका ओपेक, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में हमने देखा था जो लाइट है वो पूरी तरीके से पास हो जाती है, जिसकी वजह से हम उसके मीन्स उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सेकेंड जो था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट था। ट्रांसलूसेंट में हमने देखा था जो लाइट है वो पास तो होती है लेकिन कुछ अमाउंट में, है ना, पूरी लाइट नहीं पास होगी, कुछ अमाउंट में लाइट पास होती है उसमें, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि आप हम देखते हैं हमारा जो टिश्यू पेपर या पेपर होता है उसमें थोड़ा सा हमें शेडो दिखाई देती है, लेकिन वो शेडो के पीछे क्या है प्रॉपर हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ही अमाउंट में लाइट पास होती है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में। एंड फाइनली हमने जो थर्ड मीडियम देखा था वो था ओपेक। ओपेक में जो है बेटा लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है ना, लाइट जो है वही ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल पास नहीं होती है, तो उसके हम आर पार नहीं देख सकते, है ना। तो हमें ज्यादातर जो मीडियम दिखाई देते हैं हमारे आसपास वो हम ज्यादातर एग्जांपल ओपेक की देखते हैं, जैसा कि ये ब्लैक बोर्ड हो गया, है ना। उसके बाद जो भी आपको आसपास चीजें दिख रही होंगी ज्यादातर आपको ओपेक ही दिखती होंगी। तो इतना हम पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ने वाले हैं रे, ठीक है, अरे नहीं रे, है ना। तो अब पहले तो ये कुछ स्टूडेंट्स लेट आए हैं तो उन्हें क्लास में इंटर कर लेते हैं, ओके, ठीक है। तो रे, जैसा कि आपको क्लियर है, अभी तो हम थोड़ा सा बेसिक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक भी पढ़ने की जरूरत है क्योंकि कई स्टूडेंट्स को बेसिक भी नहीं पता है ना, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बेसिक पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद हम आज अगर ये रे हमारा फिनिश हो जाता है तो हम आज उसके आगे स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपका रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम रे की बात करते हैं। तो आपने जो आपकी प्रीवियस क्लासेस है 6 to 8 में आपने देखा होगा, 6 to 9 में आपने कुछ रे पढ़ी होंगी, जैसे आपने बोल सकते हैं आपको आपने अच्छा मैथमेटिक्स में पॉइंट पढ़ा होगा, लाइन पढ़ा होगा, लाइन सेगमेंट पढ़ा होगा, रे पढ़ा होगा, है ना। तो रे को कैसे डिनोट करते हैं, रे को जतिन इसमें भी लेट आते हैं। तो देखिए रे कुछ इस तरीके का होता है, है ना, इस टाइप का कुछ रे होता है। अब मैंने यहाँ पे रे की कुछ लाइन लिखी हुई है ना। अब रे की क्या क्या लाइन लिखी है उसे मैं एक एक करके रीड करती हूँ, फिर आपको समझाती जाती हूँ। जैसे पहला क्या है, अ रे ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। मीन्स क्या है, जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी, वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ लेगी, है ना, मतलब एकदम स्ट्रेट जाएगी। ऐसा नहीं है कि रे कुछ ऐसे यू 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 ऐसे, है ना, इस तरीके से लाइट जो है ट्रेवल नहीं करती एकदम, कैसे एकदम स्ट्रेट पाथ ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सन या बल्ब है, जो भी आप मान ले, तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, ऐसे ऐसा नहीं कि यूं चली गई यूं चली गई यूं चली गई, ऐसा नहीं, एकदम उसका जो पाथ होगा लाइट का वो एकदम स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। और रे इसलिए बोला है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका एरो है, है ना, ये इंडिकेट करेगा कि आपकी लाइट का डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि अभी मैंने ये इस तरफ बनाया है तो जो रे का डायरेक्शन है वो इस साइड है ना, जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल कर रही है, इस तरफ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो रे क्लियर हो गया, रे कुछ नहीं है, रे जो हमारी लाइट है वो कैसे ट्रेवल करेगी, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, उसी बोला गया कि रे ऑफ लाइट, लाइट की जो रे होती है वो कैसा पाथ ट्रेवल करेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा है, इट
presented by an arrow had on a straight line. ठीक है, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ शो किया है, ये एरो हेड से, ये जो एरो एरो हेड है वो क्या बताएगा, वो बताएगा हमें डायरेक्शन, है ना, कि जो हमारी लाइट है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। अभी जैसे कि मैंने ऐसा इस तरफ एरो किया है तो हमारी जो लाइट जो है वो किस तरफ ट्रेवल कर रही है, इस तरफ। ठीक है, अगर मैं इसका इसे रेस कर देती हूँ और इस तरफ एरो बनाती हूँ, एरो हेड, तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारी जो लाइट का डायरेक्शन है वो किस तरफ है, लेफ्ट, है ना, तो हमारी जो लाइट है वो किस तरफ ट्रेवल कर रही है, लेफ्ट। ठीक है, इतना क्लियर है, देन आगे बढ़ते हैं। आगे है, द एरो हेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एरो हेड क्या करता है, आपको डायरेक्शन बताता है कि आपकी लाइट का डायरेक्शन किस तरफ है, किस तरफ आपकी लाइट जो है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक, देन उसके बाद a number of rays combined together from a beam of light, ठीक है, अब जैसे एक रे आ रही है तो उसे रे बोला, और बहुत सारी रे आ रही है तो उन्हें रे बोलेंगे। ठीक है, अब जो रेज का ग्रुप होगा, है ना, जैसे बहुत सारी रेज है तो उन्हें क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, उन्हें क्या बोला जाएगा, बीम ऑफ लाइट, बहुत सारी रेज आ रही है तो उन रेज को हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक, देन आगे देखते हैं क्या लिखा, अ नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड अ पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, अब अगर नैरो बीम ऑफ लाइट होगी, ठीक है, अगर नैरो बीम ऑफ लाइट होगी तो उसे क्या बोलेगी, पेंसिल, है ना, नैरो। ठीक है, वन सेकेंड, हाँ बेटा, तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना, तो क्या था, नैरो बीम ऑफ लाइट क्या होगी, मतलब जो लाइट है वो नैरो है, नैरो मतलब सकड़ी है। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, पेंसिल, पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक, फिर आगे लिखा है, अ पेंसिल ऑफ लाइट में भी थ्री काइंड, अ पेंसिल ऑफ लाइट में भी थ्री काइंड, है ना, अब ये जो पेंसिल है वो तीन प्रकार की होती है, थ्री टाइप्स की होती है। पहला होगा, आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, मैं नेम लेके बोल देती हूँ, कन्वर्जेंट पेंसिल, डाइवर्जेंट पेंसिल एंड पैरेलल पेंसिल। अब ये तीनों पेंसिल हैं क्या, देखते हैं। पहले तो ये बताइए कि जितना मैंने बताया उतना क्लियर है आप सभी को, क्या है, हमें, हम लाइट पढ़ रहे हैं तो लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे ट्रेवल करती है ना, उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए हमें। तो लाइट जो है वो हमेशा बेटा कैसा पार्ट ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पार्ट। ठीक है, और लाइट को हम इंडिकेट करते हैं रे से, कैसे इंडिकेट करते हैं, रे से, रे में एक एरो हेड होता है। ठीक है, एरो हेड जो ये है, ये क्या बताता है, लाइट का डायरेक्शन बताता है कि हमारी जो लाइट है उसका डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, दैट उसके बाद हमने देखा बहुत सारी जो रेज निकलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, बीम, है ना, बीम ऑफ लाइट, यानी बहुत सारी है, जैसे रेज निकल रही है, ये बहुत सारी रेज निकल रही है तो इन्हें हम बोल देंगे बीम ऑफ लाइट। और जो बीम ऑफ लाइट वो नैरो होगा, नैरो मतलब थोड़ा सा बोल सकती हूँ सकड़ा होगा, तो वो क्या होगा, उसे बोला जाता है पेंसिल। और तीन, हमने पेंसिल को थ्री काइंड में डिवाइड किया है, पहला होता है कन्वर्जन, सेकंड डाइवर्जन एंड द थर्ड इज आपका है पैरेलल, है ना, मतलब ये जो रेज है वो कैसे ट्रेवल करेंगी, तीन तरीके से, कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड पैरेलल। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताती हूँ कि डाइवर्जन क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है एंड आपका पैरेलल क्या होता है। इतना क्लियर है आपको? यस मिस। बेटा ये सब बेसिक है तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सब लोग पढ़ चुके हो तो आपको ये सब चीजें पता होंगी। ठीक है,
सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लाइट क्या हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब बोल सकते हो जैसे क्या है, जैसे तीन तीन टाइप्स में यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, डाइवर्जन और यहाँ लेते हैं पैरेलल। अब मान लीजिए लाइट आ रही है तो लाइट क्या हो जाएगी इस तरीके से एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो अगर इस तरीके से जो लाइट आ रही है किस तरह आ रही है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो अगर मैं इस तरह एयर लगा देती हूँ तो इसका मतलब है लाइट जो है वो इस तरफ आ रही है। एक पॉइंट पे जब लाइट रेज मिलती है, ठीक है, तो वो क्या है हमारा कन्वर्जन, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जन पैसिव, ठीक है। जो लाइट है वो क्या हो रही है, एक पॉइंट पे आकर मिल रही है तो वो होगा हमारा कन्वर्जन, ठीक है। डाइवर्जन जस्ट इसका अपोजिट, ये हो गया आपका डाइवर्जन, ठीक है। डाइवर्जन में क्या होगा, जो लाइट है वो क्या होती जाएंगी, फैलती जाएंगी। जो इनके बीच का विड्थ होगा बेटा वो क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। और कन्वर्जन के बीच का जो आप बोल सकते विड्थ है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है एग्जाम्पल आपका कन्वर्जन का, ये है डाइवर्जन। और पैरेलल का तो आपका पता ही है, पैरेलल में कैसे लाइट ट्रेवल करेगी, तो ऐसा एरो बना दीजिए। तो ये तीनों चीज क्लियर है आप सभी को? यस मैम। सभी को क्लियर है बेटा, बेसिक है ये सब चीजें तो आपकी, है ना। अच्छा मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। सभी को अगर किसी को भी कोई डाउट आ रहा है, भले हम बेसिक चीजें ही पढ़ रहे हैं लेकिन अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज आप पूछिएगा, है ना। नहीं पता चले, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करती जा रही हूँ और आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप पूछिएगा। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ट्राई करूंगी उसको अलग तरीके से और बताने का, ठीक है। अभी इतना मुझे बताइए कि अभी जितना भी हमने लाइट में पढ़ा है इसमें किसी को कोई डाउट या कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं? Yes. No. हम फिर yes, ma'am. क्योंकि अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि हमारा जहां से चैप्टर के मेन टॉपिक स्टार्ट होते हैं वहां से। ये सब तो थोड़ा सा बेसिक आपको बताया गया है जो कि आप आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है। जैसे आपको पता है आप पढ़ रहे हैं लाइट, तो हम क्या करते हैं लाइट में हमें दो चीज पढ़नी है चैप्टर में, एक ही आपका रिफ्लेक्शन और एक ही आपका रिफ्रैक्शन, ओके। ये दोनों ही टॉपिक आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े है ना, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन के आपने दोनों लॉज पढ़े हैं, आई थिंक सभी को रिमेम्बर भी होंगे, याद है दोनों लॉज, क्योंकि क्लास आपको दोनों लॉज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसमें प्लेन मिरर और फिर आपके वो कॉन्वेक्स कॉनकेव वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, पहले तो हम ये क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए अगर मैं सिंपल सा पूछूं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है तो कोई मुझे बताना चाहेगा, कोई आंसर देना चाहेंगे बेटा, कोई आंसर देना चाहेगा?
मेरी आवाज आ रही है ना आपसे? यस मिस। तो कौन बताना चाहेगा रिफ्लेक्शन क्या है भानु को छोड़कर और आलोक को छोड़कर? क्योंकि बिल्कुल डेडी होंगे, इनके अलावा भी मुझे आंसर चाहिए बच्चों से। मैम आई विल टेल। ओके बेटा टेल मी व्हाट इज रिफ्लेक्शन। मैम अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। ओके वेरी गुड। एनीवन एल्स और कोई भी बताना चाहेंगे? ओके लिसन, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे रिफ्लेक्शन जो है एक सिंपल कुछ वर्ड्स में ही बता दीजिए, तो सिंपल से आप बोल सकते हैं कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्ट होकर आना, बाउंस होकर आना, वही क्या है? रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ये है कि जो लाइट है वो आपकी बाउंसिंग बैक आ रही। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे मेरे पास बॉल नहीं है, अगर बॉल होती या कोई भी ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर बॉल है, मैं इस पे थ्रो करती और वो वापिस से मेरे पास बाउंस बैक आ जाती। ठीक है, ऐसे ही लाइट है ना। अब जैसे यहाँ से सनलाइट आ रही है ना, अब सनलाइट आ रही है और क्या कर रही है, मान लीजिए यहाँ से सनलाइट आई बॉल पर आई और रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो वही क्या है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन वही है। जैसे क्या है, ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट आई, ठीक है, रे है ये, है ना। अब इसे रे को मैं एरो से बता रही हूँ कि ये रे इस तरफ आ रही है। अब ये रे जब इस प्लेन मिरर पर, है ना, ये पॉलिश है, अभी कैसे पॉलिश है वो भी बताएंगे। तो अब क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गई, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसी को रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि जब लाइट जो है बाउंसिंग बैक हो जाती है, वही क्या होता है रिफ्लेक्शन होता है। ये आपकी अब किस रे को बोला जाता है, इंसिडेंट रे, आप सभी को पता है। इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये है आपका रिफ्लेक्शन जो कि आपने क्लास 6, 7, 8, 9 सारी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, ये था रिफ्लेक्शन, क्लियर है सभी को? पता था ये सभी लोगों को? क्लियर है बेटा? यस मैम। इसमें टू लॉज हमें दिए हुए हैं, है ना, वो जो दोनों लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, वो क्या है? पहला लॉ जो है वो आपको बोलता है कि जो आपका इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, अब यहाँ पे मीन्स हमें तो इंसिडेंट पता है, रिफ्लेक्टेड पता है, नॉर्मल कौन सी रे आ गई, है ना। तो जिन बच्चों को पता होगा, कई बच्चों को तो पता है कि नॉर्मल क्या है, कई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ नॉर्मल क्या। ये जो है इस प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो हम लेंगे उसे ही बोला जाएगा नॉर्मल। परपेंडिकुलर तो आप लोग सब समझते हैं, परपेंडिकुलर क्या, 90 डिग्री। ठीक है, अब जैसे क्या है, अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस पे मैं एकदम स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो ये क्या है 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। सेम बेसिक अगर मैंने इसको स्टैंड कर रखा है इस तरीके से, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जो आपका लॉ है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये जो आपकी नॉर्मल रे है और ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक प्लेन पर लाई करेंगे। मतलब एक ही प्लेन पर, देखिए ये आपका प्लेन मिरर है, एक ही मीडियम है ना, एक ही यहाँ पर प्लेन मिरर है, ये सभी इसी पर आ रही है, ये आपकी इंसिडेंट रे पर, रे भी यहाँ पर आ रही है, नॉर्मल भी यहाँ पर आ रही है, रिफ्लेक्टेड भी आ रही है। तो यही आपका लॉ क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी एक सेम प्लेन पर आ रहे हैं। तो यही होता है आपका फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्लियर है बेटा? यस मिस। ओके, नाउ जो सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ ये बोला जाता है कि जो आपका, अब जैसे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल फॉर्म होगा,
सेम नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल है किस किस के बीच में, इंसिडेंट एंड नॉर्मल, अगर मैं इसको एंगल आई से डिनोट कर दू और आपका रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इनके बीच में एंगल आर से डिनोट कर लू, तो सेकेंड लॉ हमें ये बोलता है कि एंगल आई जो है वो इक्वल है एंगल आर के, मतलब जो इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे का जो एंगल है वो इक्वल है किसके, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे के, नॉर्मल रे के एंगल के इक्वल है, ठीक है। इतना क्लियर है, कुछ नहीं। ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे का जो एंगल है और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे का जो एंगल है ये क्या है, हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। इतना क्लियर है आप लोगों को, ये सब आप पढ़ चुके हैं बेटा, क्लियर है? Yes, miss. अब जैसे बेटा आपको एक चीज में बताती हूँ कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एंगल 20 दे दिया, ठीक है, यहाँ पर आपको एंगल दे दिया 20, ये यहाँ पर, और आपसे पूछा गया कि एंगल आई निकालिए, मतलब ये, तो मुझे आंसर दीजिए क्या आएगा इसका, कोई बताएगा? Yes, miss, एंगल क्या आएगा? Anyone else? और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो क्या होगा, सीधे के आंसर आए, फटाफट आंसर्स करिए फिर मैं आगे बताती हूँ। भानु एंड विशाल का भी आंसर आ गया है, और आगे, वेरी गुड, मतलब सभी आंसर्स राइट दे रहे हैं, और इनके अलावा सुहानी, निकिता, इनके अलावा और, निकिता ने आंसर कर दिया, सुहानी ने, बेटा मुझे सभी का आंसर चाहिए, और आगे आंसर दीजिए, अंशु, जतिन, आंसर करिए फटाफट, मैं जानना चाहती हूँ और आंसर्स फटाफट करिए बेटा, हमारे पास टाइम बहुत कम है, 10 मिनट्स ही रह गए हैं। अंशु, अंशु पाल का आंसर है 170, अच्छा बेटा, और तेजस 70 एंड, और जिन बच्चों ने आंसर्स नहीं किए आंसर्स करिए, जतिन, मुस्कान, लक्ष्य, श्रुति, तनिष्का, आंसर्स करिए, डो फास्ट बेटा, टाइम वेस्ट हो रहा है, जतिन, ओके, मुस्कान, केवल, ओके, और चलिए ठीक है, अधिकतर बच्चों ने आंसर्स दे दिए। श्रुति बेटा, श्रुति इतना नहीं आएगा, अभी मैं बताती हूँ, ओके, लिसन, वेरी गुड, जो राइट आंसर्स की क्वांटिटी थी, मतलब जो राइट आंसर्स थे वो ज्यादा स्टूडेंट ने दिए, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने रॉन्ग दिए, कई बच्चों ने बोला 20, किसी ने बोला 170, किसी ने बोला 160, और ज्यादातर बच्चों ने बोला 70, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है बेटा, पहले तो कई कुछ बच्चों ने मुझे इसका आंसर दिया 20, मुझे पता था कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैंने बोला आपको कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या है, वन सेकेंड, वो इक्वल है ना, लेकिन मैंने आपको जो ये 20 एंगल दिया है वो तो आपको मैंने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल नहीं दिया है, वो यहाँ दिया है, तो वो उसकी इक्वल थोड़ी होगा। अब क्या है, आपको पता है परपेंडिकुलर कितना होता है, 90 का होता है ना, तो 90 माइनस 20 करोगे तो 70 आ गया, तो जो 70 है तो एंगल आपका जो ये है नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है वो तो 70 आ गया। अब हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल, एंगल आर और एंगल आई जो है वो इक्वल है, तो अगर ये 70 का है तो एंगल आई भी आपका क्या होगा, 70 का होगा। तो पहले तो चलो 20 वाले ही कंफ्यूजन तो मुझे समझ में आ गए कि वो इक्वल के हिसाब से आपने देख लिया, लेकिन ये 160 और 170 किस हिसाब से निकाला ये मुझे समझ में नहीं आया,
ये 170 और 160 बेटे किस हिसाब से आप लोगों ने निकाला, जिन्हें भी 170 और 160 निकाला है वो रॉन्ग है, वो कहां से आ गया? और 20 वाला जो है वो भी रॉन्ग है, वो किसलिए रॉन्ग है, क्योंकि बेटा आपको ये 20 दिया है वो क्या दिया है, इसका एंगल दिया है, ये नहीं। अगर हाँ मैं यहाँ पर अगर 20 लिख देती तो फिर बिल्कुल एंगल जो आई आता वो आपका 20 आता। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, तो ये देखिए इसीलिए बोला जाता है कि जो बेसिक चीजें है ना वो भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम आगे कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप समझिए, जो ये पॉलिश होता है, जो ये प्लेइंग मिरर है ना, हम हमारे घर के भी जो मिरर देखते हैं, ठीक है, तो वो हमने देखा है कि हम अभी जब मीडियम पढ़ा था तो मीडियम में देखा था कि कुछ जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, है ना। तो अगर जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो घर का मिरर होता है ना, उसमें तो हमें हमारी इमेज दिखाई देती है, और अगर हम मान लीजिए कहीं पे मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में अगर ग्लास लगा होता है तो ग्लास के डोर लगे होते हैं, तो ग्लास के डोर के आर पार भी हम देख पाते हैं, मतलब अंदर क्या है, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन लोग खड़े, कौन है कौन नहीं है, तो हम उसके पीछे भी देख पाते हैं। तो ये क्यों हो पाता है, ये कोई बता पाएगा कि ऐसा क्यों हो पाता है कि सेम ग्लास से, है ना, वो सेम ग्लास से एक ग्लास में हम हमारी इमेज देख पा रहे हैं और एक ग्लास जो है ना उसमें क्या है, आप ना आपकी इमेज देखिए ना देखिए, लेकिन उसके इनसाइड आप जरूर देख पाएंगे कि मतलब उसके पीछे क्या है, बिहाइंड क्या है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो एक ग्लास है वो मिरर बन जाता है हमारे लिए और एक ग्लास जो है वो नॉर्मल वैसा ही रहता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई बताएगा? मैम वो पॉलिश नहीं होता है। हाँ, क्यों वो पॉलिश नहीं होता है, ठीक है, हमारे जो घर का मिरर होता है, ठीक है, वो बेटा पॉलिश होता है ना, जिससे कभी आपने देखा होगा आपके जो घर में छोटे मिरर अगर यूज किए होंगे कभी आपने बचपन में या अभी भी यूज करते, अगर वो टूट जाता है तो जब टूटता है तो आप देखते हो उसके पीछे एक पॉलिश दिखाई देती, कोटिंग दिखाई देती है ना, वो पॉलिश होता है। तो बेटा वो पॉलिश ही क्या करता है, हम जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है ना, और सबसे रिफ्लेक्टिंग जो जो पॉलिशिंग होता है वो होता है सिल्वर का। सिल्वर जो है बेटा अप्रोक्सीमेट 98% जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, जो सिल्वर है वो क्या होता है 98% लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो अधिकतर ना जो है वो सिल्वर कोटिंग की जाती है, लेकिन सिल्वर कोटिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसकी जगह पे क्या होता है सिल्वर फॉइल यूज किया जाता है ना, या सिल्वर पैन यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो इसे यूज किया जाता है कि मान लीजिए मिरर है और इससे सिल्वर कोटिंग हो गई तो ये क्या है बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट पड़ेगी जब इस पे आएगी इंसिडेंट रे तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब हम घर पर जो इमेज देखते हैं हमारा मिरर में हम हमारी इमेज देखते हैं तो क्या होता है उस मिरर पर पॉलिशिंग होती है, ठीक है, और पॉलिशिंग होती है जब लाइट उस पर पड़ती है, इंसिडेंट रे जब उस पर आती है तो रिफ्लेक्ट होती है हमारी आईज में, जिसके द्वारा हमारी इमेज देख पाते हैं। और जो शॉप पर या मॉल पे जो आप ग्लास देखते हैं उसपे कोई कोटिंग नहीं होती, कोई पॉलिश नहीं होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब वो लाइट को पास करने देती है, लाइट को पास करने दे रही है, इन द सेंस हम उसके पीछे उसके बिहाइंड क्या क्या हो रहा है या उसके बिहाइंड क्या है हम देख पाते हैं, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आप सभी को? यस मिस। अब जैसे मेटल की कोई मेटल स्ट्रिप होती है वो भी बहुत रिफ्लेक्टिव होता है, आप देखते कैसे शाइन करता है, वो भी रिफ्लेक्टिव होता है, ठीक है। आप उसके बाद मुझे आज आपको रिफ्लेक्शन भी पढ़ाना था लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 मिनट्स बचे हुए है ना, तो मैं रिफ्लेक्शन अगर स्टार्ट करूंगी तो फिनिश नहीं कर पाऊंगी, तो इसको मैं हम कल देखेंगे, है ना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो रे, रे में क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारी लाइट है वो एक कैसा पाथ ट्रेवल करती है, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, और उसे हम कैसे इंडिकेट करते हैं, रे से इंडिकेट करते हैं, और रे में जो एक एरो हेड होता है जो इंडिकेट क्या करता है डायरेक्शन,
कि आपकी लाइट का डायरेक्शन क्या है। फिर सेकंड हमने चीज देखी कि जो रेज होती है, बहुत सारी रेज होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट, है ना। बहुत सारी रेज जो होंगी, जैसे कि मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे एक टॉर्च बना देती हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये आपका टॉर्च है, टॉर्च से तो बहुत सारी रेज निकलेंगी, तो ये क्या हो जाएगा, बीम ऑफ लाइट। इन सभी रेज को क्या बोलूंगी मैं, बीम ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था अगर नैरो बीम ऑफ लाइट है तो वो क्या करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, पेंसिल। हमने थ्री टाइप्स की पेंसिल्स को डिवाइड किया था, उसके थ्री काइंड्स थे, पहला था कन्वर्जन, सेकेंड इज डाइवर्जन एंड थर्ड वन इज पैरेलल। कन्वर्जन में क्या हो रहा था, लाइट जो है वो एक पॉइंट पर आकर मिल रही थी, तो वो कैसा, उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जन, ठीक है। और डाइवर्जन क्या होता है, लाइट जो स्कैटर हो जाती है, लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपका डाइवर्जन, ठीक है, जिसमें लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। एंड द थर्ड जो था आपका वो था पैरेलल, उसमें लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है, एक पैरेलल, एक उनका जो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, एकदम सभी का पैरेलल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था लाइट, लाइट में हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन में आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दो जो इसके दो लॉज होते हैं, वो टू लॉज में हमने क्या देखा था, सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट का बैक आना, बाउंस बैक होना, मतलब टकरा कर वापिस आ जाना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन, है ना। अब हमने इसमें देखा था कि इंसिडेंट जो रे आती है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इसलिए हमने बोला था रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब इसके हमने लॉज देखे थे, तो लॉज हमने क्या देखे थे, लॉज में हमें पहला लॉ जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे, ठीक है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, ये तीनों ही रेज जो है वो एक सेम प्लेन पर लाई करती है ना, तीनों ही, ऐसा नहीं है रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आ रही है और सॉरी इंसिडेंट रे यहाँ आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे कहीं और से जा रही है ना, ये एक ही मीडियम है, मतलब ये एक सेम प्लेन है ना, तो इसी पे तीनों रे जो है वो आती है, तो वो होता है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड बोला था कि इनके बीच में जो एंगल बनते हैं, तो जो नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, एंड जो सेकंड जो एंगल है आपका नॉर्मल एंड इंसिडेंट, सॉरी नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे का एंगल एंड नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे का एंगल, ये दोनों